हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में जो बीजेपी की महारैली हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, इस रैली में चिराग पासवान के न जाने पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे थे। बता दें कि सवाल तो उठ ही रहे थे, इसके अलावा कहा ये भी जा रहा था कि तमाम एनडीए के जो घटक दल है बिहार में, उसके नेता जो हैं वो इस महारैली में शामिल हुए थे, मंच साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे थे। लेकिन वहां पर कमी सिर्फ चिराग पासवान की थी, चिराग पासवान उस मंच पर नहीं नजर आए। जिस तरीके से वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार में महारैली करते हैं, उस वक्त वहां पर चिराग पासवान नहीं नजर आते हैं। और इसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो उठने लगे थे। कहा यह भी जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे थे और उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी भी थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि नीतियों का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन इस रैली में न शामिल होकर उन्होंने कहीं ना कहीं तो इशारा दिया है। और फिर से एक बार चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब चिराग पासवान महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं और महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हम तो जहां है वहीं है, जिनको आना है आ जाए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहां है वहीं है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। अच्छी बात ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं ही मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। तो सुना आपने इस पर तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया थी। साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि महागठबंधन में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जहां है वहां से आ सकता है, हम तो वहीं के वहीं हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईद की, तो ईद में भी जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए चिराग पासवान यहां पहुंचे थे राबड़ी आवास पे, इसके बाद से भी चर्चा काफ़ी तेज थी। और अब एक बार फिर से जब सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, तब चिराग पासवान की नाराज़गी नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान बहुत कुछ कहता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।